को लेकर गांव में परिक्रमा करने का समय आ गया है। सही सही थे, सारे सिपाही मंदिर परिसर में तैनात है। आगे शिरडी की सीमा पर कोई नहीं है, यही मौका है मेरे लिए। क्या हुआ सही? आप वहां से ऐसे गंभीर होकर निकल गए? मोहन सिंह पकड़ा गया है। आखिर तुमको पकड़ ही लिया, बहुत परेशान किया है तुम हमको, लेकिन अब इस परेशानी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। साई,
अब एक आप ही का सहारा है। मदद कीजिए साई, मदद कीजिए। मानसिंह दादा को मदद की जरूरत है इस समय। अगर उन्हें नहीं छुड़ाया तो क्रांति की ज्वाला खतरे में पड़ जाएगी। हमें मानसिंह दादा की मदद के लिए जल्दी से कुछ करना चाहिए। भीमा, जल्दबाजी से अक्सर काम बिगड़ता है। तो हम क्या करें साई? वक्त पे कुछ कहना है? वंदे मातरम। भाग रहा है साहब, पकड़ो उसने।
नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर कहाँ गए मान सिंह? कहाँ गए वो? ढूंढो। साहब, साहब इधर देखिए, हल्दी के निशान। शायद इधर ही गया मान सिंह। लगता है वो गांव की तरफ भागा है। किसी हाल पे वो गांव से भागना ना पाए। मान सिंह को देखते ही गोली मार दो उसे। जाओ। समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? जी साई। जब काम पूरा हो जाए तब बाईजा माँ के गोदाम में आ जाना, मैं वहीं इंतजार करूंगा। जी साई। ठीक है साई। फिर से गांव के अंदर आ गया। पकड़ो! जाओ हर तरफ से घेर लो उसे। लेकिन साई, अब तो शाम होने को आई है। रावण दहन के लिए पूरा गांव बाहर आएगा। ऐसे में मानसिंह गांव के बाहर कैसे जाएगा? मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं निकलता हूं। कहां? शिरडी से बाहर। साई ने सरहद पर मेरी मदद करके मुझे बचाया था, लेकिन मैं मेरी गलती से फिर गांव में आ गया। मुझे जाना होगा। नहीं, आप अभी नहीं जा सकते। थोड़ी देर में सारा गांव अपने अपने घरों से रावण दहन के लिए निकलने ही वाला है। कोई भी आपको देख लेगा, पहचान लेगा। और ये क्यों भूल रहे हैं कि गांव में पुलिस बंदूक ताने आपको ही ढूंढ रही है और सरहद पे पहले ही से ही लोग तैनात हैं। हाँ दादा, बहुत जोखिम है। और साई ने हमें आपको लेकर बाईजा काकी के गोदाम में आने को कहा है। नहीं, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बेली को चकमा देके भागा हूं मैं। अभी वो बौखलाया होगा, अपनी सारी भड़ास गांव पर निकालेगा। इस वक्त मुझे जो पनाह देगा वो अपने साथ अपने परिवार की मौत को बुलावा देगा। नहीं, मैं अब अपने लिए किसी और की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। और मुझे यकीन है अब तक बेली ने अपनी सहायता के लिए और पुलिस बल बुलाया होगा। मैं अब यहां नहीं रुक सकता। मैं अभी यहां से निकल जाऊंगा, फिर जो होगा वो मेरी किस्मत है।
बाईजामा, राम जी सबको सही समय पर सही संकेत देते हैं। जिसने ये पहचाना वो होशियार। दादा, अगर साई ने आपको वापस बुलाया तो कुछ सोच समझ के बुलाया होगा। आप कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना ही होगा। अब मेरे लिए करो या मरो की स्थिति है। अब अभी नहीं तो कभी नहीं। और रही साई की बात, तो मैं दिल से उनकी माफी मांगता हूं। साई, मुझे माफ कीजिए। आज के बाद जब भी कोई भी निर्णय लेना हो तो एक बार ईश्वर का नाम लेकर ये माला जप लेना, सही निर्णय ले पाओगे। जो समय रहते मैं बैलगाड़ी के पीछे जाके छुप गया, मुझे देख लेते। आपकी बात सुन लेता तो जरूर पकड़ा जाता। अच्छा, अब बस तुम्हें पाकर वो इस गांव से शांति से चले जाएंगे। चल। गांव घने सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, भोर अगन में सोना तपके निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में आश्चर्य की बात यह है कि मुझे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। मैं पूरा अनाज के तले दबा हुआ था, फिर भी कोई बोझ नहीं था। प्रभु जी करे सहाय, ये तो चमत्कार है। तुम्हारी आजादी तुम्हें पुकार रही है, बढ़ो उसकी ओर। साई, आप जानते हैं मैं आवेग में निर्णय लेता हूं। आपने कई बार मुझे बचाया था, आपने मुझे बताया था, फिर भी मैं भूल गया। फिर से आपकी अवज्ञा करना चला था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे ले चलो साई के पास। बाबा जल्दी चलिए ना, और कितनी देर लगाएंगे आप? मेरे सारे दोस्त मेरी राह देख रहे होंगे। मैं जाऊं क्या? हाँ तुम जा, वैसे भी मुझे अभी समय लगेगा। तब तक के घर जाके साईं से मिलना है मुझे। ठीक है बाबा। हरि ओम हरि ओम। ये सब क्या है केशव? प्रहलाद का समझ में आता है, वो तो बच्चा है, लेकिन तुम ये हनुमान बन के गांव वालों के सामने तमाशा करना इस उम्र में शोभा देता है तुम्हें? तमाशा नहीं है पिताजी, साईं की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उन्होंने कहा था इस साल हनुमान में बनू। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अधिवक्ता बनाना चाहता था मैं तुम्हें अधिवक्ता, और तुम क्या बन गए?
उस फकीर के चक्कर में तमाशा वाले बन गए हो, तमाशा वाले। इंसान बन गया हूँ पिताजी, साईं की शरण में जाके। वैसे भी वकालत की पढ़ाई करके लोगों की मदद ही करता ना मैं, वो तो अब भी कर रहा है, वो भी निस्वार्थ भाव से। अरियो साईं, क्या कोई और विकल्प नहीं है? तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो अपने भक्तों के मदद के लिए? तुमने कई चमत्कार किए हैं, तो इसकी मदद तो तुम कर ही सकते हो। बाईजामा, इस बार मेरे हाथ में कुछ नहीं है। राम जी ने जिसकी नियति में जो लिखा है वो उसे भोगना ही पड़ेगा। बच्चों, तुम भी एक बार सोच लो, इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। जोखिम तो है काका, लेकिन हमारे पास इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। बेली ने गांव के सरहद पर पैरा बिठाकर पहले से ही आने जाने के सभी रास्ते बंद कर रखे हैं। अब सिर्फ एक रास्ता खुला है, जहां रावण दहन होने वाला है, उसी पुतले के पीछे से। हमने पूरी छानबीन करके ये योजना बनाई है। लेकिन आज शाम को रावण दहन के कार्यक्रम के लिए सारा गांव वहां होगा, उस रास्ते पर लोग ही लोग होंगे। ऐसे में मानसिंह को कोई भी देख सकता है, तो फिर वो रास्ता सही कैसे? जब कोई और रास्ता ना हो तो खुद को राम जी को समर्पित कर देना चाहिए। राम जी पर श्रद्धा और सबूरी हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। लेकिन साहिब, बायजा का कहना भी तो गलत नहीं है ना, जोखिम बहुत बड़ी है। मानसिंह को आसानी से पहचाने जाने का खतरा है। जय राम जी की। आज भी लोगों में मेरा भय है, उनके हृदय में मेरे लिए आदर है, सम्मान है, झुकते हैं मेरे सामने। हाँ,
केवल इसे छोड़कर आज मानसिंह का पकड़ा जाना अत्यावश्यक है। एक बार मानसिंह पकड़ा जाए तो ये भी झुकेगा मेरे सामने। हरिओम। हरिओम हरिओम। क्यों फकीर, आज अकेला आया है? तेरे साथ वो तेरा नया अंधभक्त नहीं है मानसिंह? आए वो। किसी को लाने वाला मैं कौन होता हूँ कुलकर्णी सरकार? हर इंसान वहीं पहुंचता है जहां मालिक उसे पहुंचाना चाहता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। एक बार मानसिंह पकड़ा जाए ना तो तू भी वही होगा जहां तुझे होना चाहिए, कारागृह में। कहां छुपा के रखा है उसे? ये अंग्रेज तो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने ही लोगों के विरुद्ध जाकर क्या मिल रहा है? क्या पैसा और पद इतना शक्तिशाली है कि आप उसके लिए दुर्बल हो जाएं? ऐसे लोगों से हाथ मिलाएं जो आपकी भक्ति और श्रद्धा का भी मान नहीं रखते? इन लोगों ने आपके मंदिर में घुसने की धमकी दी और आपकी रूह कांप गई। आप उन लोगों के दर्द को महसूस क्यों नहीं करते कुलकर्णी सरकार, जिनके पूजा घर में ये लोग घुसे थे, जिनकी भक्ति और आस्था को इन्होंने खंडित किया, अपवित्र किया? कुलकर्णी सरकार, आपके पूजा घर में भी वही भगवान है जो गांव वालों के घर में है। मतलब अपमान तो उसी ईश्वर का हुआ ना जिनकी पूजा आप भी करते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अंग्रेजों का समर्थन कैसे कर सकते हैं आप? आप इतने आश्वस्त कैसे हैं कि आप अगर उनकी मदद कर रहे हैं तो उसके एवज में वो आपके विरुद्ध नहीं जाएंगे? पूरी जिंदगी भर आपने उनकी सेवा की, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको धमकी दी। वो आपके पूजा घर में नहीं घुसेंगे, ऐसा वादा तो नहीं किया ना उन्होंने आपसे? और कुलकर्णी सरकार, अंग्रेज अपने वादे के कितने पक्के हैं ये तो इतिहास जानता है। अपने शब्द जाल में फंसाने की तेरी चेष्टा व्यर्थ जाएगी फकीर। मैं क्या मूर्ख हूं कि जो तू कह रहा है उसे मानकर स्वीकार लूं कि तू अंतर्यामी है? भली भांति जानता हूं मैं अपने घर के भेदी को। केशव खाता मेरी है, गाता तेरी है, वही आके बताता है ना तुम्हें सब कुछ। और देख, उपदेश की बातें पुस्तकों में अच्छी लगती हैं, व्यावहारिक जीवन में नहीं हरिओम। और ये तू भी जानता है, जो लोग शक्तिशाली के विरुद्ध खड़े होते हैं उनका सर्वनाश होता है। और मैं मूर्ख नहीं हूं जो अंग्रेज सरकार जैसी महाशक्ति के विरुद्ध जाने की सोचूं। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था कुलकर्णी सरकार। उसका हश्र तो आप जानते हैं। अकीर,
ना अंग्रेजर का रावण है, ना तेरा वो मानसिंह राम। देख लेना, शिरडी से बाहर नहीं निकल पाएगा तेरा मानसिंह। चीटी की तरह मसल दिया जाएगा हरिओम। हिंदुस्तानी लोग और तुम्हारा हरकतें, हम ब्रिटिश लोग हर रोज कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। विज्ञान की सीमा पार कर चुका है हम, और तुम लोग अभी भी एक बंदर का पूजा करता है। बिली साहब, आपके वैज्ञानिक भी हमारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं हरिओम। और जहां तक विज्ञान की बात है ना, तो विज्ञान तो यही कहता है कि आपके पूर्वज भी बंदर ही थे हरिओम। समझता क्या है अपने आप को ये गोरा? जब से आया है तब से नीचा दिखा रहा है। गोरा है नहीं तो मार मार के इसकी चमड़ी नीली कर देता मैं। तेल को देखो और तेल की धार को देखो संता। मैंने ऐसा उपाय किया है कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। बंबई से पटाखे मंगवाए मैंने। जब पटाखे उड़ेंगे तो पूरी शिरडी रोशनी से जगमगा उठेगी, और फिर इस गोरे को पता चलेगा कि किस तरह से हम त्योहार मनाते हैं। उसकी आंख ही फटे की फटी रह जाएंगी। और शिरडी में मेरा मान भी बढ़ेगा हरिओम। इसे देखो, मैं मान बढ़ाने की बात कर रहा हूं और ये केशव मेरी नाक काट रहा है। मैं शिरडी का मुखिया हूं और ये रावण दहन में नौटंकी कर रहा है। मैं तो इसे देखना भी नहीं चाहता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
हे प्रभु, जिस तरह से आपने अन्यायी रावण राजकांत किया था, मेरी भी मदद करना इस अंग्रेज रूपी रावण राजकांत करने में। राम जी भला करें। हनुमान बनकर रावण दहन में मुझे भेजने की कोई खास वजह से? तुम हनुमान जरूर बने हो केशव, लेकिन रावण दहन में तुम्हारी जगह कोई और जाएगा। तुम्हारी जगह तुम्हारी जैसी वेशभूषा किए मान सिंह। राम जी, जिस तरह आज के दिन आपने बुराई को हराकर सीता मैया को मुक्त किया था, उसी तरह इन देशभक्तों की मदद कीजिए हिंदुस्तान को मुक्त करने में। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। देखने में व्यस्त, यही सही मौका निकल जाता है। उधर कहां जा रहे हैं और केशव उनके साथ क्या कर रहा है? वो तो हनुमान बना है, उसे तो यहां मैदान में होना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। बेली साहब, मानसिंह भाग रहा है हनुमान के भेष में। Get him!
साई, तुम देख क्या रहे हो? कुछ करो, मानसिक और बच्चों को बचाओ। आप ये क्या कह रही है भाई जाग का? साई, क्या तुम मानसिंह को जानते हो? तुम क्या कर रहे हो? मानसिंह और बच्चों को बचाओ। आप ये क्या कह रही है भाई जाग का? साई, क्या तुम मानसिंह को जानते हो? चलो मेरे साथ। ईश्वर जितना भरोसा करने लगा हूं आप पर साई, अपने भाइयों को आपके हवाले छोड़कर भाग रहा हूं, उनकी रक्षा करना। अगर तुम भागने की कोशिश की तो मैं ये तीनों को गोली से भून डालूंगा। दादा, याद करो हैमिल्टन को, अपनी गलती को। याद तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिलाएगा भगवान, जब तुम्हारा समय आएगा। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने जो किया है उस पर गर्व है मुझे। और
फिर मौका मिले तो फिर वही करूंगा। मेरा बदला लेना बाकी है बेली। अगर ऐसा है तो मैं देखूंगा कि तुम्हें ये मौका इस जन्म में ना मिले। सामने से दिली साहेब, इसे हटने के लिए क्यों कह रहे हैं? चला दीजिए गोली और इस फकीर की जीवन लीला को समाप्त कर दीजिए। ये मानसिंह का समर्थक है। हरिओम। कि क्या कर रहे हैं आप? आप जानते हैं ना, सामने खड़ी ये शख्सियत इस गांव की नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के निवासियों की आध्यात्मिक गुरु है। आखिरी बार कह रहा हूं, हट जाओ सामने से। देश इंसान को इंसान से जोड़ता है, मातृभूमि से जोड़ता है, समाज से जोड़ता है, और इसीलिए देश के प्रति हमें कर्तव्य और अभिमान दोनों का एहसास होना चाहिए। और ऐसे ही एक एहसास का नाम है मानसिंह। आजादी की लड़ाई राम रावण युद्ध के समान ही है, और राम जी की इस लड़ाई में मानसिंह जैसे क्रांतिकारी वानर सेना के समान है। राम जी की इस लड़ाई में हम भले ही वानर सेना ना बन पाए, लेकिन आजादी का जो ये सेतु बन रहा है उसमें गिलहरियों की भूमिका तो निभा ही सकते हैं, उनकी तरह अपने सामर्थ्य का योगदान तो दे ही सकते हैं ना। बेली, देख क्या रहे हैं, गोली चलाइए, ये लोगों को फुसला रहा है।
रखा बेली साहेब। हट जा सामने से वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम अंजाम से नहीं डरते हैं। शव तेरी मति मारी गई है क्या? इधर आजा बेटा, हट वहां से। नहीं पिताजी, मैं नहीं हटूंगा। पहली बार देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है, पीछे नहीं हटूंगा। हम नहीं हटेंगे। फिर सब मरेंगे। हम अपने वतन के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। हम बड़े सीधे साधे लोग हैं। आज तक अपनी जिम्मेदारियों की वजह से हम किसी के लिए कुछ कर ही नहीं पाए, लेकिन आज राम जी ने वो मौका हमें दिया है, अपनी देश की सेवा करने का मौका। इस आजादी रूपी सेतु में गिलहरी समान योगदान देने का मौका, इसलिए हम ये मौका नहीं गंवाएंगे। हम नहीं गंवाएंगे। मैं तीन तक गिनूंगा, अगर तुम लोग नहीं हटे तो मैं यहाँ अभी दुश्मन घर बना दूंगा। दो, नहीं बिल से रुक जाइए। इशाओ थ्री। बार गोली जमीन पे नहीं, तुम लोगों पे चलाएंगे। बिल साहब, सचमुच इसकी जरूरत है क्या? लाठी चला सकते हैं, धक्का देके हटा सकते हैं इन लोगों को। एक हासिल नहीं होगा तुम्हें ये करके। तुमने मानगढ़ में नरसंहार किया ये सोचकर कि लोग डर जाएंगे, और उस नरसंहार का परिणाम देखो, आज शिरडी के रूप में एक और मानगढ़ ने जन्म ले लिया। अगर शिरडी का नाश करोगे तो कल और 10 गांव खड़े हो जाएंगे।
किस किस को मारोगे? और अगर ये जुर्म देखकर पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ गई तो राज किस पे करोगे? जिस इंसान ने अपना सब कुछ खोया है उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता है। याद रखना, जुल्म से जीता हुआ राजपाट चलता नहीं है। मेजर, फकीर इज राइट। One investigation is already going on. If we create an incident here, no doubt the High Commission will implicate us. Possibly in Mangal case too. Look at these people. They all are angry. Think before you make a decision. हमेशा इंसान का विनाश करता है। अब भी वक्त है, अपने सैनिकों को रोको और गांव वालों को छोड़ दो। अपना अहंकार त्याग दो और खुद को और औरों को भी बचाओ। भाइयों, बंदूक नीचे कर दो। चलो, से मिली सीख को कभी नहीं भूलूंगा। राम जी भला करें। साई बाबा की जय। साई बाबा की जय। साई बाबा की जय। साई बाबा की जय। Thank you.
प्रणाम साई। राम जी भला करे। भीमा, अली, उद्धव, तुम लोगों ने देश की आजादी के संग्राम में जो योगदान दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। सच कहा तुमने साईं। मेरे मन की बात कह दी तुमने, पूरी शिरडी को इन पर नाज है। मुझे तो पूरी शिरडी पर नाज है भाई सामा। गांव वाले निडर होकर डटे रहे। तुम तीनों ने सही मायनों में दशहरा मनाया है। लो मुंह मीठा कर। पायजामा, मुझे तो लगता है कि इन तीनों का पूरे गांव के सामने सम्मान करना चाहिए। साई, हमने इतना भी कुछ खास नहीं किया। मानसिंह की मदद करके तुमने देश की गरिमा और देश के भविष्य को बचाया है। लेकिन इन्हें मुझसे कौन बचाएगा? दूध के दांत टूटे नहीं और मेरे विरुद्ध गए। शिरडी के मुखिया के विरुद्ध हरिओम। हम किसी के विरुद्ध नहीं गए सरकार, हम तो सिर्फ देश के पक्ष में गए। और ये देश आपका भी तो है। चुप! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? अभी अभी बड़े हुए हो इसलिए ज्ञात नहीं है मेरे विरुद्ध जाने का परिणाम क्या होता है। लेकिन अब समझ में आएगा तुम तीनों के, शिरडी में सांस लेना दुश्वार कर दूंगा मैं। तुम तीनों का ऐसा उदाहरण बनाऊंगा कि पूरा गांव थर्रा उठेगा।